ओम शांति आज 28 फरवरी 2022 आज की साकार मुरली हमें गुण सिखाती है पवित्रता का आज के इस संसार की अगर हम हालत देखें तो कांटों के जंगल जैसी है अनेक प्रकार के कांटे हर मनुष्य के अंदर आज समाहित हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उसके बहुत सारे बाल बच्चे अगर देखें ईर्षा द्वेष चलन नफ़रत भय ये सब अगर कांटे अंदर में है वो छुपते रहते हैं और दुख का अनुभव कराते हैं जब इन अवगुणों को जीवन में हम देखते हैं प्रयोग करते हैं तो उससे दुख अशांति रोग चिंताएं अपने जीवन में आती है अगर हम अपने जीवन में अशांति को स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर में दैवी गुणों को स्थापित करना है और उन सभी दैवी गुणों की स्थापना में सबसे इम्पोर्टेंट गुण वो है पवित्रता का क्योंकि पवित्रता सुख और शांति की जननी है पवित्रता अगर हमारे मन में है अगर हमारे वचन में पवित्रता है हमारे कर्म पवित्र हैं हमारे इंटेंशंस प्योर है तो हम कभी दुख नहीं पा सकते हैं परिस्थितियाँ आती है अनेक प्रकार की ऊंच नीच बातें भी आती हैं लेकिन अगर हमारे इंटेंशंस प्योर है हमारी स्थिति को हम प्योर बनाकर रखते हैं तो परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं इसीलिए अपने जीवन में अपने इंटेंशंस को प्योर रखने का अभ्यास करें क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उस कर्म का फल हमें प्राप्त होता है दूसरे करते हैं उनका फल उन्हें मिलता है क्योंकि हर एक अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हम भी अपने कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं हम जैसे विद्यार्थी हैं और अपनी आंसर शीट में जो आंसर्स लिखते हैं उसके मार्क्स हमें मिलते हैं दूसरे के आंसर शीट में लिखे हुए मार्क्स उसके हमें नहीं मिलने वाले उसे मिलने वाले हैं इसी तरह जीवन की परिस्थिति रूपी पेपर्स में हम क्या लिख रहे हैं हम कौन से कर्म कर रहे हैं हमारा उसको देखने का नज़रिया क्या है उस आधार से ही हमारे रिजल्ट्स होते हैं इसीलिए हम हर एक परिस्थिति में पॉजिटिव दृष्टिकोण रख करके उसे डील करें तो उस परिस्थितियों को भी हम बदल सकते हैं अपने इंटेंशंस को प्योर रखें आज सारा दिन इस अभ्यास को बनाए रखें और इसके बहुत सुंदर अनुभव आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ओम शांति